तो हम लोगों ने वैलकरी को यहाँ पे ला दिया है और हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारे डिप्लॉयमेंट से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 40 रैम बारबेरियंस वर्सेस 1 वैलकरी। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey guys, it's me, Dan MG, and it's time to Clash with Dan. तो बेसिकली आज का वीडियो जो बेस्ट है वो इस बात पर बेसिक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 200 बारबेरियंस ट्रेन किए यहाँ पर और मैं अभी अपने TH9 के ID पर हूँ। तो बेसिकली मैं TH9 इंजीनियर्ड बेस बनाना चाहता हूँ और मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाना चाहता हूँ कि इंजीनियर्ड बेस एक्चुअली क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं कि भाई इंजीनियर बेसिस के ऊपर वीडियो बनाए, क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो उस वीडियो के बारे में मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्लैश ऑफ क्लैन को अराउंड 5 ईयर्स हो गए इस गेम को लॉन्च किए हुए। तो COC ने हमें बहुत सारे इवेंट्स दिए। तो इवेंट नंबर 1 जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जेम बर्थडे बूस्ट है क्लैश ऑफ क्लैन का, और उसके बाद क्लैश एनिवर्सरी इवेंट है जिसमें उन्होंने हमें दिए है बैटल रैम यानी कि बारबेरियन पार्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3-4 बारबेरियन एक लॉग उठा के भाग रहे हैं, और तो जैसे ही वो लॉग किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर क्रैश होगा या फिर वो फूटेगा तो फिर जो बारबेरियंस है वो अलग हो जाएंगे और 3-4 बारबेरियंस जो है वो एक साथ मारने लग जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा अगर वैल्करीज को हम अगेंस्ट लाएंगे रैम बारबेरियन से। तो जैसे कि आपने पहले वीडियोस देखे होंगे बारबेरियंस वर्सेस वैल्करीज, तो मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था और वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था वीडियो। तो इस बार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम बारबेरियंस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 200 बारबेरियंस ट्रेन किए और हम ले जाएंगे उसे अगेंस्ट एक वैलकरी, 1 मैक्स लेवल वैलकरी। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद हम लेके जाएंगे 1 वैलकरी अगेंस्ट 40 रैम बारबेरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं मेरे मेन आईडी से चैलेंज करूंगा। तो ये रहा मेरा चैलेंज और मेरे मेन आईडी के CC में जो है वो एक वैलकरी। तो हम एक वैलकरी के अगेंस्ट लेके जाएंगे 200 बारबेरियंस। तो देखते ही कि ये वीडियो कैसा होगा। तो बहुत जन को पता होगा कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक बारबेरियंस से वैलकरीज को बाहर निकालूंगा और जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सेंटर में गैप रखी है, लेकिन ये एक FWA बेस है तो बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे ट्रैप्स रखे जाते हैं। तो फिर वहाँ पे जायंट वॉम है तो मैं उन्हें सबसे पहले जो है वो अनआर्म्ड कर देता हूँ, अरेंज यानी कि उन्हें यूज़ कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप्स जो है वो यूज़ कर दिए है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्रैप्स बचे हुए नहीं है होपफुली। तो हम लेके जाएंगे अराउंड 200 बारबेरियंस अगेंस्ट 1 वैलकरी। तो यहाँ पे मैंने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया है अपने बारबेरियंस का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैलकरी जो है वो ब्रेक करती जा रही है और उसकी आधी परसेंट भी हेल्थ जो है वो कम नहीं हुई है। तो इस तरीके से जो है मेरे सारे के सारे 200 बारबेरियंस ख़त्म हो चुके हैं और मेरी वैलकरी जो है अपोजिशन की CC की वो जिंदा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो रैम बारबेरियंस रेडी है हमारे आर्मी कैंप्स में। तो चलिए हम लोग एक और बार हमारे मेन आईडी से जो वो चैलेंज कर देते हैं और हम लोग एक और बार अटैक करेंगे हमारी मेन आईडी से, हमारी सेकेंड आईडी से हमारी मेन आईडी पर, और इस बार हम बारबेरियंस की जगह यूज़ कर रहे हैं रैम बारबेरियंस। तो मेरे पास यहाँ पे 40 रैम बारबेरियंस और सबसे पहले मैं यहाँ से CC को बाहर निकालूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे CC को बाहर निकाल लिया है और वैलकरी जो है वो बाहर आ चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे भी सारे के सारे ट्रैप्स हैं तो हम उन्हें पहले अनआर्म करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अराउंड 2 से 3 जो थे वो मैंने यूज़ कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे थोड़े से बारबेरियंस बाकी है और अभी तक हमारे पास 36 रैम बारबेरियंस बाकी है। तो हम लोग वेट करेंगे कि वैलकरी सेंटर में आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैलकरी आ चुकी है और अब हम ट्राई करेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि वैलकरी तो दिखाई भी नहीं दी और इन्होंने जो वो वॉल्स भी फोड़ दी है। तो हम लोग एक रेज स्पेल डाल के देखेंगे क्या होता है। तो इन्होंने वॉल्स को क्रॉस कर दिया और अभी तक आगे आते हुए तो वैलकरी को इन्होंने आराम से ब्रेक कर दिया जैसे कि आपने देखा। तो लेट्स सी कि अगर हम हमारे CC में वैलकरी के साथ एक हीलर लेके जाए और हम रैम बारबेरियंस को उनको अगेंस्ट छोड़े तो फिर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरी मेन आईडी से रिक्वेस्ट कर दी है और हम यहाँ पे डोनेट करेंगे, डोनेट नाउ एक हीलर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक हीलर
जो है वो डोनेट कर दिए और हम यहाँ पे करेंगे चैलेंज और हम एक और बार अटैक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने मेरे मेन आईडी के सीसी में जो एक वो हीलर दे दी और हम अटैक करेंगे रैम बारबेरियन से सीसी वैलकरी और एक हीलर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सीसी बाहर निकालूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हीलर जो है वो हमारे किंग को हील करिए। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट एट ऑल गुड। हीलर योर भक्चोत। होपफुली जो है वो अभी हीलर जो है वो अट्रैक हो जाएंगे हमारी वैलकरी के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल सही, थैंक गॉड। तो हम वैलकरी को जो है वो सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे रैम बारबेरियंस ने उन्हें भटका दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे मेरा एक्सपो जो है वो रैम बारबेरियंस को संभाल लेगा। और अभी हम टू साइड अटैक करेंगे हमारे वैलकरी के ऊपर और वैलकरी जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो जैसे कि आपने देखा कि एक वैलकरी 200 बारबेरियंस के बम पे लात मार देती है और सिर्फ 40 रैम बारबेरियंस एक वैलकरी को एक सेकेंड के लिए भी ज़िंदा नहीं छोड़ते। तो भाई लोग, आज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल ने अराउंड 8000 प्लस सब्सक्राइबर्स रीच कर दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आप शेयर करें। जो भी ये वीडियो देख रहे हो तो उनके पास तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके ऊपर आप अपने क्लाइंट्स के चैट वगैरह कुछ करते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दे। तो आप तेरे को करना बस इतना है कि नीचे जाना है, उस शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी लिंक करनी है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पेस्ट कर देना और उन्हें बोलना है कि भाई इस वीडियो को चेक करें। अगर उनको अच्छा लगे तो उन्हें कह देना है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम एम करेंगे अराउंड 399 लाइक्स के लिए। मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा टारगेट रखा हो, लेकिन मैंने ये जो वीडियो है वो तत्काल में बनाई है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने बहुत फास्ट ये वीडियो बनाने की कोशिश किया हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। एक बात और, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं राइट साइड में, एक वीडियो लेफ्ट साइड में, सेंटर में मेरा सब्सक्राइब बटन। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट हो जाए मेरे फैमिली का। उसके बाद अगर आपको कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में #DanMJ करके पूछ सकते #AskDanMJ करके पूछ सकते। बाय बाय, पीस आउट। I'm coming home.